और अब मेरा वार्ड मेरी समस्या में हम बात करेंगे कोटा दक्षिण के नगर निगम वार्ड संख्या 38 की। इस वार्ड में क्षेत्राधिकार में आने वाले कॉमर्स कॉलेज चौराहे पर सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं होने के कारण दुकानदार और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉमर्स कॉलेज चौराहे पर पहले शौचालय बना हुआ था, लेकिन रोड के विस्तार के दौरान वो शौचालय वहां से हटा दिया गया। इसके साथ ही एक अन्य शौचालय जर्जर होने के साथ साथ अतिक्रमण का शिकार भी हो गया। उसके बाद से ही नए शौचालय का निर्माण नहीं कराया गया। वहीं निजी अस्पतालों के पास एक सुलभ शौचालय बना हुआ है जो चौराहे से काफी दूर है। चौराहे पर पुनर्विकास योजना के तहत दुकानदारों को दुकान आवंटित कर दी गई है, लेकिन आज भी वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई है। इस संबंध में दुकानदारों ने जनप्रतिनिधियों से लेकर के जिला प्रशासन तक मांग पत्र सौंपे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। दुकानदारों की मांग है कि चौराहे पर एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए ताकि राहगीरों और दुकानदारों को भटकना ना पड़े। यहाँ पर लगभग 40 से 50 के करीब व्यापारी, जो मिस्त्री लोग है, छोटी मोटी रेस्टोरेंट लगाते हैं, दुकानदार है, इस तरह के कई सारे लोग हैं। और यहाँ पर रोजमर्रा की जो समस्या सबसे ज़्यादा सुलभ कॉम्प्लेक्स की, और कोटा शहर का वो जगह है यहाँ पे जो देश और दुनिया से बच्चा आता है, बच्चे कॉलेज में कोचिंग में दाखला लेने के लिए, तो वो भी इधर उधर ढूंढते। तो मेरे हिसाब से निश्चित रूप से फ्लाईओवर के नीचे बड़ी सारी जगह है, नगर निगम को चाहिए कि यहाँ एक सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाया जाए और पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, सरकारी नल होना चाहिए और लाइटिंग यहाँ प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि ये पास में शराब का ठेका है, यहाँ से रात को यहाँ पर ड्रिंक वगैरह करते हैं लोग, उन पर प्रॉपर टाइम होना चाहिए उनको, इतने बजे से इतने बजे तक का, और पुलिस की गश्त होनी चाहिए नियंत्रण यहाँ पे। नाम बता रहे सुरेश गुजर। परेशानी तो एक तो नल की समस्या ज़्यादा है यहाँ पे, शौचालय की समस्या है और लाइट वगैरह नहीं है यहाँ पे। जो रोज़मर्रा की जो सुविधा है वो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, वो तो बहुत ही आवश्यक चीज़ है जो होना जरूरी है। तो कितने साल हो गए इसको डेवलप हुए मार्केट? ये करीब 2013 के आसपास हो गया था। सबसे कोई, हाँ बिल्कुल कोई सुविधा नहीं है। इस्लाम मोहम्मद। यहाँ पर लाइटिंग की समस्या है, यहाँ पर ये गली ऐसी बंद रहती है तो इसमें क्राइम भी होते हैं कई बार, और जो दारू पीने वाले ये आपत्तिजनक आदमी यहाँ रात में रहते हैं क्योंकि गली में अंधेरा रहता है हर वक्त, तो यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। रात में एक दो क्राइम भी हो चुके हैं यहाँ पर इसी चक्कर में। ये गश्त वगैरह नहीं होती? गश्त तो होती है सर, लेकिन गली ऐसी है ना तो क्राइम हो गए, एक दो बार क्राइम भी हो चुके हैं यहाँ पर। नाम बता दो। मोहम्मद शाहिद। समस्या तो बहुत सारी आती है क्योंकि यहाँ बाहर की पब्लिक ज़्यादा ट्रेवल करती है, जैसे झालावाड़, रामगंज मंडी, बहुत सारी पब्लिक यहाँ से ट्रेवल करती है। अब जैसे लेडीज़ है तो लेडीज़ तो कहीं जा ही नहीं सकती, जेंट्स तो कहीं भी कर लेता है, लेडीज़ कहाँ जाएगी? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। आप अगर यहाँ एक सुलभ शौचालय बन जाओ तो कम से कम सुविधा तो जाएगी, ताकि पब्लिक इधर उधर नहीं जाएगी, पता रहे भाई इस जगह है, आराम से जाके शौचालय वगैरह कर सकती है। पार्षद वगैरह को बताया नहीं कभी कि? पार्षद साहब से बोली थी उन्होंने कि कार्रवाई चल रही है, करवाएंगे, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। लाइटिंग की समस्या भी? मेरा नाम मोहम्मद उमर है। शौचालय की यहाँ पर? शौचालय की तो बहुत समस्या है, शौचालय है ही नहीं ना भाई साहब, यहाँ शौचालय नहीं है, मेन बात तो ये है। लेडीज़ भी परेशान है और जेंट्स भी परेशान है और मार्केट वाले भी परेशान है। जाए तो कहाँ जाए, ओपन में जाते हैं, कल से कॉलोनी डेवलपमेंट हो जाएगी, फिर कहाँ जाएगा आदमी पेशाब करने? सारा शुरू से ही नहीं बना हुआ है या टूटा हुआ है? शुरू से बना हुआ है, लेकिन अब वो तो अंदर हो गया, उसको वो दिखता ही नहीं है ना, मेन बात तो ये है। वो तो ऐसा कंडेंसेशन हो गया उसके अंदर कि आदमी को पता ही नहीं चलता है कि ये वाकई टॉयलेट है यहाँ पे या सुलभ कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कहना बताइए, नाम बताओ। रईस अहमद।